उत्तर प्रदेश में आज लोकसभा चुनाव की काउंटिंग हो रही है और इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई देखी जा रही है। ऐसे में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विवेक बंसल जी, जो कि पूर्व विधायक भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे जानेंगे सर, कैसी काउंटिंग हो रही है और कितनी बढ़त कांग्रेस पार्टी बना रही है। देखिए, जहाँ तक जनगणना की बात है, अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है और सुचारू रूप से मतगणना चल रही है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो एग्जिट पोल थे, ये गलत साबित हो रहे हैं। लोगों का रुझान अभी देखिए, ये सब उलट पलट हो रहा है। कभी एनडीए आ गया हो रहा है, कभी जो है इंडिया गठबंधन आ गया हो रहा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एग्जिट पोलों ने इस तरीके से रुझान दिखाया, एक तरफा चुनाव दिखाया था, और हमें ये कहते हुए खुशी भी है कि इसके विपरीत आज जो लोगों ने अपना जो जनादेश दिया है, जनता ने, भारत के नागरिकों ने, वो उसके विपरीत है। और लोकतंत्र की यही खूबी है कि एक अच्छी लड़ाई हो रही है, अच्छा चुनाव, मतलब जो इसकी जो परिणाम है वो बहुत अच्छे होंगे, सुखद होंगे। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी कहिए या प्रियंका गांधी कहिए, सोनिया जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगुवाई की और जिस तरीके से चुनाव प्रचार में, चाहे वो जनता की नब्ज की बात हो, जनता की पीड़ा की बात हो, हमने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें उनकी भावनाओं को समायोजित किया, उनकी पीड़ा को समायोजित किया और यही उसको परिलक्षित किया। और यही कारण है कि आज हमें चारों तरफ से बहुत अभूतपूर्व मतगणना समाप्त होने में अभी 4 घंटे बाकी है। क्या लगता है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश से? देखिए, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के जहाँ तक परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हमें जो इस समय जो वर्तमान इस समय क्षण में जो रुझान दिख रहे हैं वो बहुमत हमारी तरफ है और भी हमारे पक्ष में आएगा। और मैं उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में, उत्तर प्रदेश का जनादेश एक सही दिशा में जा रहा है। राहुल गांधी का क्या खटाखट वाला जो बयान है वो कितना कारगर साबित हो रहा है? क्या बहुत कारगर हुआ, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। मैं चंडीगढ़ में था, आदरणीय प्रियंका जी वहाँ चुनाव में आई थी और उन्होंने खटाखट की जब बात की तो लोगों ने, मैं एक करतल ध्वनि से उस खटाखट का समर्थन किया। और यही कारण है कि लोग आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के हमारे नेता राहुल गांधी के पीछे आज जिस तरीके से आए हैं, मैं उनको बहुत उनका नमन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। बिहार से और कर्नाटक से बढ़त मिल रही है, क्या लगता है कि अगर जो उनके सहयोगी दल हैं, जो नीतीश कुमार, अगर मान लीजिए आपको बढ़त मिलती तो क्या वो आ सकते हैं आपके साथ इंडिया गठबंधन? देखिए, बिल्कुल, राजनीति में किसी भी किसी को भी किसी संभावना को नहीं नकारा जा सकता, कुछ भी संभव हो सकता है राजनीति में। तो हमारे साथ जो भी समर्थन करेगा उसका स्वागत है सरकार बनाने में हम लोग, क्योंकि एक जनादेश, ये जितना अभी तक जो चुनाव परिणाम और जो रुझान देखने को मिल रहे हैं वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार की जो नीतियां थी उसके विरोध में जनादेश मिल रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक थे और जिनका साफ तौर पर कहना है जो भी एग्जिट पोल दिखाए गए वो आज रियलिटी से अलग हैं और जो परिणाम आ रहे हैं वो जनता का जनादेश है। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसे, MK न्यूज़, लखनऊ।